हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जियोग्राफी की पिछली क्लास में हमने बिंड्स पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको छोड़ा था प्रचलित पवन एवं भूमंडलीय पवन को पूरा पढ़ा करके, और आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम सामायिक पवन एवं स्थानीय पवन की चर्चा करेंगे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्लास में हम वही बात करेंगे। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। प्रचलित पवन और भूमंडलीय पवन को हमने पढ़ लिया है। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने क्लासेस को पहले देख लें, तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे विद्यार्थी रेगुलर हैं वो ध्यान देंगे, उनको सारी चीजें फिर से उसी क्रम में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पवन है। पवन का मतलब कि ऐसी वायु जिसकी एक निर्धारित दिशा हो, ठीक है। तो दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन ऐसे पवन होते हैं जो सालों भर एक ही दिशा में चलते हैं। सामायिक पवन वो होते हैं जो एक समय के बाद में अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं अपनी दिशा को, उनको सामायिक पवन कहा जाता है। और जो स्थानीय पवन होते हैं, इनका जो विभाजन है ये इनकी ताप के आधार पर होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी दिशा कई बार बदल जाती है। तो इनका ताप जो है, ये गर्म है कि ठंडी है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल भी खूब आते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला सेक्शन कवर कर लिया है। जब हम बिंड शुरुआत में पढ़ना हमने शुरू किया था इसकी परिभाषा को, उसी क्लास में हमने इसको कवर कर लिया था। इस क्लास में हम सामायिक पवन की चर्चा करेंगे, उसके बाद में स्थानीय पवन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसको मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं सामायिक पवन की। सामायिक पवन मैंने कहा था कि बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक मानसूनी पवन और दूसरा स्थल एवं समुद्र समीर, ठीक है। एक मानसूनी पवन और दूसरा जो है स्थल एवं समुद्र समीर, ये दो हैं जो सामायिक पवनों के वर्गीकरण उपवर्गीकरण के तहत आते हैं, ठीक है। तो मानसूनी पवन का मतलब ये होता है कि पवन की ऐसी दिशा जो एक वक्त के बाद में अपनी दिशा को परिवर्तित कर ले, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में मानसून कब आता है, जून के महीने में आता है, केरल के तट से टकराता है, फिर उसका दो भाग बनता है, एक भाग पश्चिम भारत की तरफ चला जाता है, एक भाग जो है पूर्वी भारत में धीरे धीरे प्रवेश करता है, ठीक है। तो उसका एक परिभाषित दिशा है। वो होता क्या है कि जैसे ये आपका इंडिया है और ये इंडिया का पार्ट है, ये आपका अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो जो आपका मानसून है वो इधर से प्रवेश करता है, ठीक है, इधर से प्रवेश करता है और इसके दो दिशा बन जाते हैं, एक पार्ट यहाँ से जाता है, एक पार्ट यहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ पर दो दिशा में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो इनका क्या एक परिभाषित दिशा है। कुछ दिन बाद होता क्या है कि ये इधर से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ भारी वर्षा करते हैं, फिर धीरे से यहाँ घूमते हैं और ये वाले पार्ट भी यहाँ पर वर्षा करते हैं, और उसके बाद में इनकी दिशा क्या है बदल जाती है। तो इसीलिए इनको सामायिक पवन की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो मानसूनी पवन हैं ये सामायिक पवन की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि एक समय के बाद में इनकी दिशा बदल जाती है। इसीलिए एक जो है एक सीजन होता है बरसात का, और उसके बाद में बरसात उस तरीके से नहीं होती है, होती है अन्य कारणों से, हो सकती है झंझावत, तड़ित झंझावत हो सकते हैं, चक्रवाती वर्षा हो सकती है, लेकिन जो मानसूनी वर्षा है वो मानसूनी पवनों के कारण होता है और एक निर्धारित समय तक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानसूनी पवन। दूसरा है आपका स्थल एवं समुद्र समीर। स्थल एवं समुद्र समीर से भी काफी सवाल कई बार आए हैं, तो समझ लीजिए क्या बला है स्थल एवं समुद्र समीर। यहाँ भी जो है सामायिक पवन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर समझिए इसको, मान लीजिए यह महासागर है, ठीक है, और ये कोई ये जो है तट है उसका, ये महासागर का तट है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप मुंबई में बगल में समंदर है और उसके बगल में मुंबई है जहाँ पर बीच वगैरह बना है, खूब शूटिंग वूटिंग होती है, फिल्मों की हीरो हीरोइन घूमने जाते हैं, ठीक है। तो उसका ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो ये समंदर है और ये है आपका स्थल। मैंने शुरुआत क्लासेस में आपको बताया था कि दिन में क्या होता है कि जो स्थल है इसका गुणधर्म है कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दिन में होता क्या है कि सूर्य जो है
होता है, आसमान में चमकता है, ठीक है। दिन वही होगा जहां पर सूर्य चमक रहा होगा। तो जब सूर्य की किरणें आती हैं, मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, यहां भी पड़ रही हैं और यहां भी पड़ रही हैं, तो जो स्थल का गुणधर्म है वो क्या है, ये जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो जितना देर सनलाइट होगा उतना देर क्या होगा, स्थल गर्म रहेगा। और ये जो महासागर वाला पार्ट है, ये महासागर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, अपेक्षाकृत ठंडा होगा। और ये जो है आपका ये तट है, ठीक है। तो जो महासागर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, दिन में अपेक्षाकृत ठंडा होगा। अब आप ये जानते हैं कि जहां पर अपेक्षाकृत ताप अधिक होता है वहां पर क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी। हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। और गर्म होकर हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। और स्थल पर क्या होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है। किसका, लो प्रेशर का निर्माण होता है। जब दिन में सनलाइट होगा, स्थल ज्यादा गर्म होंगे, वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो वहां पर निम्न दाब का निर्माण होगा और उसी समय महासागर पर उच्च दाब का निर्माण होगा, क्योंकि जो ये उठी हुई हवा है ये महासागर की ओर चलेगी। ये जो उठी हुई हवा है ये कहाँ चलेगी, ये महासागर की ओर चलेगी और यहाँ आकर के बैठेगी। तो हवा जहाँ पर बैठती है वहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये उच्च दाब का निर्माण महासागरों पर होता है, तो इसको कहते हैं समुद्र समीर। जो घटना दिन में घटित होती है, यानी कि स्थल गर्म होता है, उसकी वायु ऊपर उठती है और वो समुद्र की तरफ चलती है, उसको क्या कहा जाता है, समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर, सी ब्रीज कहा जाता है इसको, ठीक है। रात में क्या होता है कि ये सनलाइट महाराज खत्म हो जाते हैं, यानी कि रात में सनलाइट होता नहीं है। तो ये स्थल जो है ये बहुत तेजी से क्या हुआ था, गर्म हुआ था, अब उतना ही तेजी से ठंडा भी हो जाएगा, यानी कि शाम होते होते क्या होगी, ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताना, यहाँ पर मैं भूल गया, मैं बता दूं कि जब ये गर्म वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो जो इसकी ठंडी वायु है ये स्थल की ओर चलती है, ठीक है ना, कि गर्म वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी और जो है महासागर की ओर जाएगी, और महासागर की जो ठंडी वायु है वो उसका जगह ले लेगी। तो होता क्या है कि बीच पे लोग दिन में जाते हैं, वहां पर उनको समुंदर से ठंडी ठंडी हवा मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि उसका रीजन जो है वो समुद्र समीर होता है, यहाँ से जो हवाएं जो है ठंडी हवाएं हैं वो इस तरफ चलती हैं और यहाँ से गर्म होकर के फिर वो महासागर की ओर लौट जाती हैं। ये होता है समुद्र समीर। स्थल समीर में क्या होता है कि सन महाराज यानी कि सूर्य रात में नहीं होता है। रात तभी होती जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य गायब हो जाता है, चंद्रमा आता है, चंद्रमा का अपना कोई ताप होता नहीं, कोई उसका जो है वो भी खुद डिपेंडेंट है सनलाइट पे, ठीक। तो होता यह है कि ताप नहीं मिलता है रात में, क्या होता है कि तापांतर जो है, जो आइसोलेशन है वो नहीं मिलता है। तो जब आइसोलेशन नहीं मिलेगा तो जो स्थल है आपका वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और जो ये महासागर है इसका गुणधर्म क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। तो इसका ताप जो है अपेक्षाकृत क्या होगा, स्थल से ज्यादा होगा। अब जब महासागर का ताप ज्यादा होगा तो महासागर के संपर्क की जो हवा है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, और वो हवा किधर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी। और स्थल की जो हवा है वो कहाँ चलेगी, महासागर की ओर चलेगी। तो इसको कहते हैं स्थल समीर। स्थल समीर रात में होता है, समुद्र समीर दिन में होता है। स्थल समीर में क्या होगा कि महासागरों पर निम्न दाब का निर्माण होगा, महासागर पर क्या होगा, निम्न दाब का निर्माण होगा, और स्थल खंड पर क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण होगा, क्योंकि रात में सनलाइट ना होने की वजह से इंसुलेशन प्राप्त नहीं होता है, सूर्य ताप प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है। अब यहां आपने चीज समझ ले, इसको सामायिक पवन की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि दिन में इसकी दिशा क्या होती है, दूसरी होती है, रात में इसकी दिशा उलट जाती है, इसीलिए इसको पीरियोडिक विंड्स यानी कि सामायिक पवन की श्रेणी में
रखा गया है, यही था स्थल एवं समुद्र समीर। एक बार फिर से बता देते हैं, इसको आप अपनी भाषा में नोट कर लेंगे। समुद्र समीर में क्या होता है कि स्थल गर्म होता है और जो उसकी गर्म वायु है वो ऊपर उठती है और उसका जगह लेता है महासागर की ठंडी वायु, इसको कहते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर में स्थल खंड पर निम्न दाब का निर्माण होता है और महासागर पर उच्च दाब का निर्माण होता है, यही टोटल जो है समुद्र समीर है। स्थल समीर रात में होता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो महासागर अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, वहाँ की गर्म वायु उठ करके चली जाती है तट की तरफ और तट की जो ठंडी वायु है वो जाती है महासागर की तरफ। तो ऐसे कंडीशन में स्थल समीर का निर्माण होता है और उस वक्त स्थल पर उच्च दाब और महासागर पर निम्न दाब का निर्माण होता है, दैट्स इट। यही है आपका स्थल एवं समुद्र समीर। ठीक, अब हम बात करते हैं स्थानीय पवन की, यानी कि ये मामला भी हमने निपटा लिया और इसको हम यहाँ से साफ भी कर देते हैं, डस्टर उठाने का लोड नहीं लेंगे, ऐसी मैं आप मिटा देता हूँ। तो अब हमें बात करना स्थानीय पवन की, ठीक है। तो स्थानीय पवन दो प्रकार की होती हैं, गर्म एवं ठंडी स्थानीय पवन। तो गर्म पवन कौन कौन सी है, चिनूक एक गर्म स्थानीय पवन है, ठीक है। तो गर्म स्थानीय पवन जो है चिनूक है, और ये चिनूक का क्या है कि ये इसको कहा जाता है बर्फ भच्छी, ये जब चलती है अमेरिका में तो बर्फ को काट देती है और जो चारागाह होते हैं वो निकल करके आते हैं, एकदम सामने हरी हरी घास निकल करके आती है, लोग वहाँ घूमने आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है और जो चारागाह के लिए जो पशुपालक लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है ये, ठीक है। हरमटन सहारा मरुस्थल में चलता है, ये भी एक गर्म स्थानीय पवन है। लू इंडिया में चलता है, कहाँ पर, उत्तर भारत में, और इसकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हमारे इंडिया में कहा जाता है खासकर उत्तर भारत में कि गर्मी के महीने में ज़्यादा दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लू लग जाता है और उसको स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, ठीक है। तो यही लू है जो कि बहुत गर्म होता है और ये क्या करता है, आपके शरीर को बहुत क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। जोंडा ये भी एक गर्म स्थानीय पवन है जो कि अर्जेंटीना में चलती है। बर्ग ये कहाँ पर चलती है, ये साउथ अफ्रीका में चलती है, ये भी एक गर्म पवन है। सिरोग जो है सिसली इटली और स्पेन में चलती है, इसको जो है खूनी वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस जब सिरोग की वजह से जब वर्षा होती है तो लाल बूंदें गिरती हैं, क्योंकि ये जो है अपने साथ बहुत सारे धूल कण को लेकर के आते हैं जिनका रंग लाल होता है, तो इसको खूनी वर्षा भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, गर्म पवने हैं, ठीक। अब जो ठंडी पवने हैं वो हैं हिम झंझावत जो कि एंग्लो अमेरिका में चलता है, बुरान जो कि साइबेरिया में चलता है, पुर्गा भी साइबेरिया में ही चलता है, मिस्ट्रल फ्रांस में चलता है, और साउथ वेस्टर कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्थानीय ठंडी पवने हैं। देखिए इनका कोई परिभाषित दिशा नहीं होता है, इनको इनके ताप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और ये स्थानीय पवन के जो नाम है ना, इनसे सवाल आता है, इसीलिए मैंने इनके जो है बहुत, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लिस्ट आपको लंबी मिल जाएगी, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण थे उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। होता क्या है कि परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आ जाता है कि ये ठंडी है कि ये गर्म है, ये गर्म है कि ठंडी है, या गर्म है तो कहाँ पर चलती है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये गर्म और ठंडी स्थानीय पवन का डिटेल है। तो इस तरीके से आपने पवन समझ लिया, पवन में तीन वर्गीकरण था, प्रचलित पवन भूमंडलीय या भूमंडलीय पवन या गृहीय पवन, ठीक है। उसमें आपने व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवन को पढ़ा था। जो दूसरा उसका सेक्शन था सामायिक पवन, जिसमें आपने मानसूनी पवन एवं समुद्र समीर स्थल समीर को समझा। जो उसका तीसरा खंड था स्थानीय पवन, जिसे गर्म एवं ठंडी में वर्गीकृत किया जाता है, उसको अभी आपने समझा। तो इस तरीके से हमने दो क्लास में पवन को समझ लिया। अब हम अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। बाकी क्लास जिस क्रम में चल रही थी उस क्रम में चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपको उसी क्रम में मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक की, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।
बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।